और ये हम अभी खरीदेंगे गाइस। तो ये लेट्स गो, हमारा एक न्यू बॉक्सिंग क्लब ओपन होने जा रहा है। तो 1 2 3 गो। डबल सेवन रूम यूर फॉर कॉलिंग टू ऑल। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं जिम सिमुलेटर। और गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पार्ट वन में हमने इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीद लिए थे और हमारे जिम को एक्सटेंड कर दिया था। हमने कुछ न्यू इक्विपमेंट्स भी ऐड किए थे और इसके पार्ट सेकेंड में मैंने पूरा जिम को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया था। जैसे कि वहाँ पर प्लैंक्स लगे हुए थे, वो प्लैंक्स मैंने तोड़ दिए और उधर साइड में मैंने स्विमिंग पूल ओपन कर लिया। स्विमिंग पूल में पानी वगैरह भर के सब कुछ रेडी कर लिया। बट आप सोच रहे होगे कि पार्ट सेकंड इसने कब बना लिया। तो गाइज, इसके पीछे एक स्टोरी है कि मैंने पार्ट सेकंड बना लिया था, मैंने पार्ट सेकंड को एडिट कर लिया था और जब अपलोड करने की बारी आई तो मैं अगर सिस्टम में देख रहा हूँ मेरे, तो मेरे सिस्टम से वो पूरा पार्ट सेकंड गायब हो गया था। मतलब मुझे आइडिया ही नहीं किस तरह से गायब हो गया। बस वो मेरे पीसी में अभी नहीं है, मतलब वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पीसी में नहीं है। तो मैं ये पार्ट थर्ड बनाने जा रहा हूँ गाइस, तो टेंशन मत लीजिए। पाँच सेकंड में मैंने क्या क्या चीज़ें की है मैं सब डिटेल में आपको बता दूंगा गेम प्ले में। तो टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट गेम प्ले की ओर बढ़ते और इंटरेस्ट से देखिएगा, बहुत नई नई चीज़ें करने वाले हैं। तो हियर वी गो। तो ठीक है गाइस, हम गेम प्ले के अंदर आ चुके हैं और जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ये मैंने इतना बड़ा जिम कब बना लिया है ना। ये लग रहा है ना आपको कि ये जिम मैंने कब बना लिया। ये इधर एक्सटेंड कर लिया, ये बाहर का एक्सटीरियर चेंज कर लिया, अंदर का एक्सटीरियर चेंज कर लिया। ओपन डोर, एक मिनट, अपने जो वर्कर्स है वो सब आ चुके हैं, वर्किंग में लग गए हैं। ये क्या है, इसको यहाँ बिठा देते हैं अभी का, नहीं इसको बाहर बिठाते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस कि क्या हुआ था मेरे साथ, हादसा सा हो गया था एक। तो भाई तू यहाँ बैठ जा और मैं फटाफट से इनको समझा देता हूँ। तो देखो गाइस क्या हुआ था ना, मैंने ये पेंटिंग भी कर लिया है, ये देखो आपको पेंटिंग दिख रही होगी। ये ऊपर का जो अपना सीलिंग है वो भी चेंज हो गया, इधर का भी सीलिंग चेंज हो गया, इधर स्विमिंग पूल आ गया है ना। तो ये सब कब कब किया और कैसे किया ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इस वीडियो से पहले एक वीडियो बना रहा था और उसमें मैंने पूरा वीडियो बना लिया था और जिसमें मैंने ये सब करते हुए दिखाया था। बट क्या हुआ, मैंने वो एडिट कर लिया था वीडियो, रेंडर भी कर लिया था, पर वो बाय मिस्टेक मेरे से डिलीट हो गया। तो वो ना मुझे रिसाइकल बिन में दिखा ना कहीं, और शायद से मैक्सो बना रहा था दूसरा वीडियो तो वो शायद से रह गया है ना। तो कोई बात नहीं गाइज, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक स्पा और एक इसे क्या बोलते हैं स्टीम बाथ ओपन किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ही हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आज हमें क्या करना है गाइस, आज हम ना एक मिनट, यहाँ पर हमारे कस्टमर्स आ गए, पहले इनको मेंबरशिप दे देते हैं। वीआईपी मेंबरशिप आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, वीआईपी मेंबरशिप से हुई है। सो इसे कौन सी चाहिए, इसे भी वीआईपी मेंबरशिप। चलो दो दो वीआईपी मेंबरशिप आ गई और हमारे पास आज है जीएम्स $42, ठीक है, $42,000 है। तो आज हम कुछ पेंटिंग वगैरह नहीं करेंगे, आज हम बस मॉडिफिकेशन करेंगे। मतलब जैसे कि ये जो वॉशरूम है यहाँ पर, मतलब जो चेंजिंग रूम है स्विमिंग पूल में का, उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम सेम उसी तरह से मतलब चेंजिंग रूम वगैरह लगा लेंगे, इधर भी सेम उसी तरह से सब कुछ लगा लेंगे, चेंजिंग रूम और जो शॉवर रूम रहता है उस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे बढ़ के हम देखेंगे कि और क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आज लेवल है 10, तो हम बॉक्सिंग क्लब एट लेवल 7 ओपन कर सकते हैं। तो ये लेवल 7 पे कैसे होगा बॉक्सिंग क्लब ओपन, जिम में जाना पड़ेगा शायद हमें, स्टोर में जाके हम जिम में जाते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कैसे क्या करना है ना। ये ई में जाएंगे जिम, देन कमिंग सून क्यों बता रहा है बे, लॉकर रूम जिम 2। एक मिनट, मैं ना घूम के देखता हूँ थोड़ा सिटी में, पहले ये देख लेते स्टॉक हमारा कंप्लीट है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं है क्या बे, अच्छा 20% स्टॉक है, इसको फिल करके रख देते हैं। चलो ये 100% कर दिया हमने। हमारा जो वेइंग मशीन है, वेंडिंग मशीन है, उसमें भी देख लेते सारा स्टॉक फुल है ना। चलो ये भी इन्वेंट्री फुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, पहले ये जो बॉक्सिंग क्लब है ये कहाँ पर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये शायद से हमारा इधर उधर ही कहीं पर होगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाके ओपनिंग। ये क्या है, ये तो ओपन है बोलते ना, ये तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं भाई।
ओ भाई इसके सामने तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे बे, इसके सामने नहीं बढ़ पा रहे। तो शायद से बॉक्सिंग क्लब यहीं पे कहीं पे होगा, बट हमें देखना पड़ेगा यार, मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ पर है। तो यहीं पे कहीं तो रहना चाहिए यार, मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे और एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा फिलहाल तो। यहाँ पे भी नहीं है, और उसमें अगर पता चल रहा है तो वो कमिंग सून बता रहा है, उसमें भी नहीं है। ठीक है हम थोड़ा सा इधर उधर घूम के देख लेते हैं ना, क्योंकि लेवल 7 पे ये क्या है, सेल योर इन्वेंट्री आइटम। ओके सो हम यहाँ पर हमारा जो पुराना सामान है ना गाइस, वो यहाँ पर आके बेच सकते हैं इन्वेंट्री में आके। ठीक है फिलहाल तो हमें वो बॉक्सिंग वाला पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हमारा जो जिम है ना उसे ही मॉडिफाई कर लेते हैं। जो पुराने आइटम्स है गाइस उसे हम बेच देंगे और नए आइटम्स लगाएंगे सारे, मतलब जो हमारे जिम में इक्विपमेंट्स है ना वो सारे नए नए लगा लेंगे हम आज। ठीक है तो पुराने पुराने वाले सारे हटा देंगे, पहले तो फिलहाल इन्हें मेंबरशिप्स दे देते हैं। अभी हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हुए वो भी देख लेते हैं। वेल डन बॉडीगार्ड, अपना काम अच्छे से कर रहा है तू, ले ले। चलो तो अभी फिलहाल हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं अपने जिम की। तो जिम के एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए हम कितना डॉलर मांगता है अभी, ये 3 GM ना, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं, ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम अभी फिलहाल तो जाके देखते हैं गाइस कि हमारे इसमें सही में हमने लगा दिए क्या। ओ माई गॉड ये देखो, MS जिम, कम टू MS जिम, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है। ठीक है हम बाद में देख लेंगे ये चीज़, तो फिलहाल तो हम हमारे जो पुराने सामान है ना वो उठा के फेंक देते, फेंक नहीं देते। जैसे ये हो गया एक्स इन्वेंट्री, ये वाला नया है ना, ये भी नया है, ये भी ये पुराना है, इसे भी उठा लेते हैं। इसमें से ये वाले पुराने, टूट जा टूट जा, ये भी पुराना है क्या। हम एक काम करते हैं ना, पूरे रेड रेड वाले लगा देते हैं ना, रेड डेड रिडेम्पशन करके रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी सारे हाई एंड वाले ही लगाते हैं, टूट जा, ये भी शायद पुराना है, नहीं ये नया है, हाँ ये नया है, ये नए वाले हैं ना। तो इधर से पुराना वाला और क्या था अपने पास, नहीं यार थोड़ा सा ना पुराने वाले भी चीज़ें रहने देनी चाहिए है ना, मतलब उससे कैसा। ओ माय गॉड हमारे पास कस्टमर्स की भीड़ आ गई है, पहले तो हम स्टैंडर्ड मेंबरशिप दे देते हैं इन्हें। चलो गंजू महाराज आप जाओ, आपको क्या होना है, स्टैंडर्ड क्यों भाई, अरॉड ले लो। व्हाट्स योर नेम मैम, इसका अलसा, ठीक है आप भी ले लीजिए। ओ माय गॉड बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं बे आज, स्टैंडर्ड वाले आ रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में ही VIP आया, अभी स्टैंडर्ड आ रहे हैं सब सब लोग। आपको लो मेंबरशिप चाहिए क्यों भाई, इतना हाई एंड क्लास है हमारा और तू लो मेंबरशिप ले रहा है क्यों, आपको भी लो चाहिए क्यों यार। अच्छा अपने पास का जो सामान है वो ख़त्म हो गया है ना, शायद से इस वजह से हो रहा है ऐसा। तो ये अपना इन्वेंट्री वगैरह तो लेना हो गया, अभी और चीज़ें देखते हैं गाइस कि और कौन सी पुरानी चीज़ थी हमारे पास। ये भी पुरानी है यार, ये भी हटाना पड़ेगा। तू बाहर आ रहे डॉगी, तेरे को आज मैंने पेट नहीं किया क्या, ठीक है आ जा, ठीक है चल हो गया तेरा काम, इधर आ अभी इधर बैठ जा। ओ माई गॉड आई वॉन्ट दिस कार, अपने पास कार वार नहीं है क्या बे, नहीं अपने पास कार नहीं है बे, छी कितना गंदा सीन है, ई बैठ जाए यहाँ पे। और अपन अभी वो इन्वेंट्री के शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर इन्वेंट्री जाके बेच देते हैं, मतलब शायद से बेच सके। सेल योर इन्वेंट्री, $525, सेल 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 सेल। ओ माय गॉड अपने पास $50,000 हो गए गाइस, इसे बेच के भी, मतलब अच्छी बात है। तो अभी हम शायद से और कुछ वहाँ पर जाके लेते हैं और वहाँ पर अच्छी अच्छी मशीन्स लगा देते हैं, है ना। तो चलिए गाइस लेट्स गो, हम यहाँ पर ले लेते हैं रनिंग मशीन, ये पूरा अभी हाई क्लास लेंगे, हमारे इसको हाई क्लास बनाना है हमें। ये क्या नई चीज़ आई है बे, बाइसेप कर्ल एंड स्मिथ मशीन, ओ माय गॉड ये तो सारे नए मशीन्स आ गए। ये हम एक काम करते, चार ले लेते, 1 2 3 4, ये चार ले लिए, वहाँ पर कितने लग सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये तीन ले लिए, ये 1 2 लेते, ये 1 2 लेते, हमारा पैसा खर्च होते जा रहा है वैसे तो, बट कोई बात नहीं,
ये एक दो तीन ये ले लेते हैं, बाकी तो लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। ओ माय गॉड, ये क्या नई नई चीजें आई है, ये क्या है? बिग डेक, ये एक लेते हैं, ये क्या है? ये एक लेते हैं, ये भी एक लेते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक एक ही लेते हैं, बाद में हम सब चीजें ये करेंगे। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जरूरत नहीं है इतने सारे मशीन्स की, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्स एक्स, अरे यार जल्दी जल्दी हमें फटाफट काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये हटा देते हैं, एक्स ये हटा देते हैं, और यहाँ पर हम कुछ और लगाते हैं, ये भी हटाते हैं। अभी फिलहाल तो हमें जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी तो। फिलहाल हम इधर उधर की चीज़ें हटा के थोड़ा सा अच्छे से मतलब मेंटेन रखते हैं जिम को। ये एक्स एक्स, ठीक है। तो यार कस्टमर्स आते ही जा रहे हैं और मैं क्या पगले पंती कर रहा हूँ यार। तो ये यहाँ से हटा देते हैं, हट जा हट जा। अपना सामान तो देखो कुछ भी नहीं है जिम में। ओह माय गॉड, ये भी उल्टा लगाया है मैंने, वो उसे सीधा करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, देखिए मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है ये सब कुछ। यहाँ पर डंबल प्रेस वगैरह लगा दिए है। अब मुझे और ये चीज़ें लगानी है, तो ये कहाँ पर लगा सकते हैं हम? एक ये मुझे चीज़ पता नहीं है क्या चीज़ है, तो हम इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि ये लाइन में हम लगा लेंगे, ये पूरे लाइन में। ठीक है, तो जो भी मैंने नए चीज़ें लिए हैं ना, वो सारे यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, मतलब एक एक चीज़ सारे इसकी लगा ही देता हूँ। तो एक यहाँ लग जाएंगी कुछ इस तरह से, नहीं इस तरह से लगा लेते हैं, है ना, मतलब परफेक्टली कर पाएंगे सब लोग। ये दो बॉक्स छोड़ के यहाँ पर और ये लगा लेता हूँ, तो ये यहाँ लग जाएंगी। ठीक है, दिस इज लुकिंग परफेक्ट यार ना, कुछ ये सेम है ना दोनों? हाँ ये दोनों सेम है, तो इसे हम इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लग गई है। अब मुझे लगाना है मैटिंग और ये साइकिल्स, रो मशीन्स। तो रो मशीन हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ये एक यहाँ लग जाएंगी, ये दो दूसरी, ये दूसरी कहाँ लगाएंगे, यहाँ एक दूसरी, और तीसरी भी तो है ना अपने पास, ये और एक मशीन है, तो ये एक लगा लेंगे यहाँ पे। मतलब ये इट्स ऑल गुड नाउ, अच्छा लग रहा है, मतलब सही में अच्छा लग रहा है, उतना कुछ ठीक है ना, लगा सकते हैं हम इस तरह से भी। और अभी हमारे पास चार मैटिंग है, तो मैटिंग्स का लगाएंगे हम, मैटिंग लगा लेंगे यहाँ, एक दो तीन और ये चार, ये लग गई मैटिंग्स। अब हमारे पास क्या बेचने के लिए कुछ है? नहीं है। लॉकर रूम टाइल्स, टाइल्स में हमारे पास 20 टाइल्स है, तो टाइल्स हम कहीं पे लगा सकते हैं, बट अभी ही नहीं लगाएंगे, हम इसे बात के लिए रखते हैं। फिलहाल तो हम जाते हैं, हम ये जिम बंद कर दिए हैं अभी फिलहाल तो, और जिम बंद करके हम पहले अपना स्टॉक चेक कर लेते हैं, हमारे पास स्टॉक पूरा भरा हुआ है या नहीं। हम एक एक स्टॉक ले ही लेते हैं सारी चीज़ों का। ये 20 GM ना, बाय 2 GM, ये एक लिया, 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 ये भी एक ले लिया। हम सारी चीज़ें तो लेते हैं यार, फिर हम कौन सी चीज़ छोड़ देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये भी एक लिया, ये एक ले लिया, ये एक ले लिया, ये भी एक ले लिया, और ये भी एक ले लिया। ओके, सो यहाँ पर है चीज़ें, तो ये चीज़ें हम नहीं लेते हैं शायद, है ना, शायद से यही नहीं लेते हैं हम। तो अभी हम एक काम करते हैं फिलहाल तो, फट से जाके ये सब चीज़ें ले लेते हैं, और ये जाके उधर जाके भर देंगे हम, मतलब अपने जिम में जाके सारी इन्वेंट्री फुल कर देंगे, है ना, उससे हमारा कल का दिन बच जाएगा एक। तो अभी फटाक से जाके वहाँ पे जटाक से कर लेते हैं। ओके, सो 100% इन्वेंट्री हो चुका है। तो अभी फिलहाल हमारा जिम कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हम फट से जाते हैं हमारे घर में, सोते हैं, और कल हमें चीज़ें करनी है, जैसे कि हम स्विमिंग पूल में अपना थोड़ा वॉशरूम वगैरह क्लीन कर लेंगे, फिर हमें बॉक्सिंग रूम ढूंढना है, मतलब बॉक्सिंग का थोड़ा सा ढूंढना है। तो ये सुबह हो गई है, अभी हम फिलहाल तो अपना ये सारे एडवर्टाइजमेंट निकल गए हैं ना, आज हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि हमारे पास पहले ही पैसे बहुत कम बचे हैं, पहले हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा।
और ये फील करके रख लेते, ये भी फिल अप है, ये इधर आके फील कर दिया, ठीक है, और ये बंद कर दो। चलो चलो चलो, यहाँ पर वर्कर्स आ जाएंगे थोड़ी ही देर में, तब तक हम ना जाके क्या कर सकते हैं, हम शॉप कर लेते हैं, बट यार मेरे पास $24 ही बचे हैं अभी। एक काम करते हैं, हम वॉशरूम ले लेते हैं पहले, लॉकर रूम में, लॉकर रूम फीमेल ये तो नहीं लेना है हमें। शॉप में जाएंगे फ्रेंड्स, एक्स्ट्रास में, एक्स्ट्रा में स्विमिंग पूल टेबल ले सकते हैं, लॉकर रूम में अगर हम चेंजिंग रूम वगैरह ले ले तो ले सकते हैं। ये एक और ये दो, तीन चार, इतना इनफ है, इतना इनफ है, मतलब स्विमिंग पूल का टेबल ले सकते हैं, ये एक दो दो ही लेते हैं फिलहाल। तो ट्रैश कैन वहाँ पर लगी हुई है फिलहाल, तो एक काम करते हैं अभी फट से जाके अपने स्विमिंग पूल में ट्रैश कैन, स्विमिंग पूल टेबल वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। और एक हम चीज़ कर सकते हैं, जैसे ये एक्स्ट्राज में गए, यहाँ पर स्विमिंग पूल टेबल दो ही लिए थे ना हमने, एक इधर एक इधर, ठीक है। ए ये उल्टा लगाया मैंने, इस तरह से तो नहीं लगता है, आई नो दैट, हाँ इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये दो इधर लगा लिया अभी तो फिलहाल, और हम यहाँ पर जाके अभी चेंजिंग रूम और शॉवर रूम ये लगा लेंगे, ठीक है। चेंजिंग रूम ये दो इधर लगा लिए, एक और ये दूसरा, तो ये दो इधर लगा लेते हैं, एक और ये दूसरा, तो ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमने कुछ लॉकर रूम में लगा दिया है स्विमिंग पूल के, तो स्विमिंग पूल के इसके लिए तो इनफ है अभी फिलहाल, और हम बाकी की चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमें अभी वो बॉक्सिंग रूम ढूंढना है। उससे पहले कस्टमर आई है हमारे पास, एक ही है आज यार, चलो स्टैंडर्ड मेंबरशिप चाहिए तो स्टैंडर्ड, ओह माय गॉड, हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए बे, पैसा जम हट बे शी, 11 लेवल के हो गए हम अभी फिलहाल, हमें तो पैसे की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। VIP ले लो सर, नहीं ये VIP मेंबरशिप नहीं ले रहे बे, प्लीज़ VIP ले लो भाई, दो मेंबरशिप चाहिए इन्हें किट। अभी फिलहाल देखो गाइस, हमारा जिम ना बहुत अच्छा मेंटेन हो गया है, अभी शायद से हमारे पास वर्कर को देने के लिए पैसे बस $10 ही बचे हैं बे, कैसे करेंगे हम। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वेंडिंग मशीन है ना, ये एक्स 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 ये हटा लेते हैं, वेंडिंग मशीन इधर साइड में लगाते हैं। देखो गाइज, यहाँ पर वेंडिंग मशीन अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा विटामिन बार है, तो और एक वेंडिंग मशीन यहाँ लग जाएंगी, और उसके अलावा हम एक काम करते हैं अभी फिलहाल, तो ये वाली जो वेंडिंग मशीन है ये भी यहाँ से हटा के, अरे भाई आ गई यहाँ पे, ये भी यहाँ से हटा के ना उधर साइड में लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलते ही रिफ्रेशमेंट, या फिर रहने दे उधर भी, मतलब कैसे पूल से निकलने के बाद कैसे रिफ्रेशमेंट चाहिए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी एक वेंडिंग मशीन अच्छी ही है, या फिर हम यहाँ अंदर भी लगा सकते हैं, लगा दे क्या, यहाँ पर लगा देते हैं, काम करते पूल के अंदर ही लगा देते हैं, ये एक्स्ट्राज में जाके यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन लगा, एक यहाँ लग गई है ना, मतलब यहाँ पर पूल से निकल के सबको रिफ्रेशमेंट चाहिए ही ना, है ना। एक काम करते हैं ना, हम एक और वेंडिंग मशीन ले ही लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है हमें, एक ही लगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल हमें पैसों की ज़रूरत है, बाद में चल के हम देखेंगे कि और क्या चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर पहले ही ले लेंगे सब चीज़ें तो फिर मतलब उतना फ़ायदेदायक नहीं रहेगा यार, क्या कारें चलती है भाई यहाँ पे भयंकर। ठीक है, हमारा जिम तो अभी अच्छा परफेक्ट ही दिख रहा है, ये एक VIP मेंबरशिप, चलो ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं ना गाइस, अभी हम बस मेंबरशिप्स लेते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा हो, क्योंकि अभी हम शायद लॉस में जा रहे हैं। हम देख लेते हैं मेंबरशिप लिस्ट, डेली अर्निंग हमारा हो रहा है 13,900, तो ये इनफ नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब हमारे जो स्टाफ है उन्हें ही हमें देना पड़ता है उतना, यार कैसा है ना, हम एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो इस रोड पे शायद से बहुत सारे लोग घूमते हैं, तो हम यहाँ लगा सकते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हल्क तू यार ऐसा मत किया कर, ठीक है ना, तू बाहर बैठ के रहते जा, हाँ तू बाहर आ जल्दी, इधर आ, तेरे पास खाना भी तो है यार, खाना नहीं खाता घूमते रहता है,
बैठ जाए यहाँ पे। चलो गाइस हम ना अभी फट से जाके थोड़ा सा जिम वगैरह ढूंढ लेते हैं। कहाँ पर है जिम? शायद से इसी रास्ते में। हाँ ये रहा। और आपको याद होगा गाइस कि यहाँ पर हमारा पुराना सा घर है, दिखा? ये देखो, ये हमारा पुराना घर है, ये हमारा पुराना घर है गाइस। अभी हम आते भी नहीं भे यहाँ पे, ये नहीं घुस सकते यहाँ पे। चलो यहाँ पर घुस के देखते हैं। ये तो ओपन नहीं हो रहा है, क्यों? हाँ ये What's happening bro? लेवल 7 पे तो वो खुल जाना चाहिए, पर खुल क्यों नहीं रहा है? ये इट्स नॉट ओपन, व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग? गाइज ये गेम ना अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए इसमें बहुत सारे बग्स हैं। तो ये देखो, मैं अभी देख रहा हूँ कि ये जो जिम है ना, ये ओपन ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो? ये ओपन ही नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी हम फिलहाल अपने जिम की तरफ ध्यान देते हैं, हमें उधर ही कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है। यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या? साले गेम खेलते रहते हैं हम, पर है ना कुछ खाना वाना खाते नहीं है, डेडिकेशन देख रहे हो? चलो ये स्विमिंग पूल बन गया है, यहाँ पर वेंडिंग मशीन लगा दी है। ये इनफ है ना कि यहाँ पर कुछ और मॉडिफिकेशन करने चाहिए हमने, या फिर स्पा वगैरह ले लूँ, ऐसा लग रहा है। हम यहाँ पर स्विम भी नहीं कर सकते बे, कैसे से? ये कौन है? भग भग, अरे आके लड़की छेड़ता, अरे भाग गया, अरे भाग गया, भाग गया वो। तू बहुत लेट है बॉडीगार्ड, तेरे को पैसे काटने पड़ेंगे तेरे अभी। तो अभी हम फिलहाल जाएंगे, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो कमिंग सुन वाला मैसेज हट क्यों नहीं रहा है। और यहाँ पर हम यही चीज़ कर सकते हैं क्या बस? और क्या करना है हमें जिम सिमुलेटर में? और भी तो चीज़ें होंगी ना, ये हट क्यों नहीं रहा है, निकल क्यों नहीं रहा है? ये लेवल 7 पे खुल जाता है जिम, हमारा लेवल 7 पे जिम क्यों नहीं खुला? एक मिनट, ये हम यहाँ पर है, ये जिम यहाँ पर है, ये जिम है ना, बॉक्सिंग क्लब ये है। तो हमें कहाँ जाना है अभी? सीधा जाना है गली में, और यहाँ पर फिर जिम है शायद से, यहाँ से गली से जाना है इधर। अच्छा 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 अच्छा, ये पब में है, पब में है। तो चलो अभी हम यहाँ पर, अरे यार शीट बे, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तब से, हमें उधर साइड जाना था पीछे में, मैप भी तो रहता है हमारे पास, मैं मैप में नहीं देख रहा हूँ और इधर उधर देख रहा हूँ। पहले फिलहाल देख लेते हैं हमारे आज डेली अर्निंग कितनी हुई है। $43 तो हमारे हो चुके हैं, और हमारे पास कोई कस्टमर वगैरह आया है क्या? नहीं आया है। अभी फिलहाल हम क्या करें, हम करते हैं ये पहले लॉक, ये बंद कर देंगे पहले, तो फिलहाल पहले हमारा जिम संभाल लेते हैं, उसके बाद अच्छे से जाएंगे वहाँ पे, हम जिम भी ओपन कर लेंगे, जिम मतलब बॉक्सिंग क्लब भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैं वही सोचूं यार बॉक्सिंग क्लब कहाँ गया, मैं मैप में नहीं देख रहा। ये देखो, ये मैप ओपन किया है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये बॉक्सिंग क्लब है। मैं इधर उधर देख रहा था, पूरा शहर घूम लिया, बॉक्सिंग क्लब नहीं मिला। तो चलो गुड बाय गाइस, मतलब इन सबको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो अपना एक्सपी वगैरह बढ़ गया, $49,000 हमने आज कमाया है। और जिम इज क्लोजिंग का मतलब यहाँ पर टैग आ गया है। अभी हमें क्या करना है, अभी ये इन सबको निकलने देते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे गाइज, हम जाएंगे और जिम ओपन करेंगे, मतलब हमारा बॉक्सिंग क्लब ओपन कर लेंगे, और फिर हम बाकी की चीज़ें कल करेंगे। ठीक है, तो चलो गाइज हम ना फट से जाके, ये तब तक सब लोग निकल जाएंगे जिम से, हम फट से जाके हमारा इन्वेंट्री वगैरह फिलअप करके रख लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉक ख़त्म हो चुका है। हम फटाफट से सब सामान ले लेते हैं। ये अबे लेना भाई जल्दी, ये अच्छा कर लिया, पर सैंडविच के जगह है ना ये जो सॉल्ट राइस कर दिया ना, चिकन राइस, वो अच्छा कर दिया, क्योंकि चिकन राइस इज मैंडेटरी। अभी ले लिया, हमारे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है बे, पैसे की कमी नहीं है अपने पास। तो चलो गाइज हमने हमारा इन्वेंट्री वेंडिंग मशीन का फुल कर दिया है, 100% हो चुका है। और अभी हम हमारे पास वो जो ये पूल चेयर्स थी ना, वो भी है बची हुई, तो वो भी लगा लेते फट से जाके। एक हो गया,
एंड ऑल डन। यहाँ पर भी हमारा 100% हो गया है सब कुछ। अभी हम करते हैं जिम क्लोज और बॉक्सिंग क्लब जाते हैं फट से। जिम क्लोज हो गया ना हमारा, ठीक है। अभी हम जाते हैं बॉक्सिंग क्लब, बॉक्सिंग क्लब खरीदते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या और नई चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ये क्या है बे, कूड़ा कचरा। और एक काम करते हैं, हम आज के दिन इधर ही सो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी अपार्टमेंट जाने का टाइम नहीं है। तो फिलहाल हम एंटर करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पर हम कुछ पी भी नहीं सकते ना। यह है बॉक्सिंग क्लब हमारा, प्ले भी कर सकते हैं, ये भी प्ले नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते प्ले। इधर में क्या है, ये नहीं कर सकते प्ले, ये प्ले नहीं कर सकते। इधर 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 कुछ डेट वेट नहीं मिलने वाली है क्या हमें? ये पे किसी से बात भी नहीं कर सकते, कोई हमें भाव भी नहीं दे रहा है। ये क्या है, ये देखो, ये कार सिमुलेटर है, कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा ना मेरा कार फॉर सेल वाला, तो वो भी देखना वीडियो, उसमें भी मैंने इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट दी है। तो ये देखो, इसमें भी उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट है। ई तो ये बॉक्सिंग क्लब खरीदा जाए, $15,000 का है और ये हम अभी खरीदेंगे गाइस। तो ये लेट्स गो, हमारा एक न्यू बॉक्सिंग क्लब ओपन होने जा रहा है। तो 1 2 3 गो। क्या हो गया, इतना ही था? इससे ज्यादा नहीं दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। क्या इसी इसमें सब कुछ कंटेंट खत्म कर दूं क्या? चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, ज्यादा नाटकी नहीं करने का, लाइक टोको जल्दी जल्दी। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करो फट से, यहाँ पर एक एनिमेशन दिखेगा उसी तरह से सब्सक्राइब करना है, मजा आएगा देखो करके। और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया है, अगले वीडियो में इससे भी ज्यादा मजा करेंगे। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सायनारा।